शिकारपुर सिंध पाकिस्तान से भोपाल आए सिंधी समाज के प्रमुख संत नारायण भजन स्वामी ने कहा कि सुख और दुख जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं, इन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। वहीं सिंधी समाज की ओर से संत जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने कहा कि संत हमेशा सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। संतों के प्रवचनों से जो आशीर्वाद मिलता है वो सदैव हमारे साथ रहता है। शिकारपुर सिंध पाकिस्तान से भोपाल आए सिंधी समाज के प्रमुख संत नारायण भजन स्वामी का भोपाल में स्वागत सत्कार किया गया। समाधा आश्रम में प्रवचन देते हुए संत नारायण भजन स्वामी ने कहा कि सुख और दुख दोनों को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि दुख है तो सुख निश्चित आएगा, सुख है तो उसे ही सत्य न मान हमेशा तैयार रहें। यदि दुख आया है तो हमें इसे अपने कर्मों का फल मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण के कई भजन भी गाए। संत जी भोपाल में 1 दिसंबर तक प्रवचन देंगे। भोपाल पधारने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने उनका स्वागत किया। सिंधी समाज की ओर से संत जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने कहा कि आग लगी आकाश में जर जर गिरे अंगार, संत न होते तो जग में तो जल मरता संसार। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि संत हमेशा सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। संतों के प्रवचनों से जो आशीर्वाद मिलता है वो सदैव हमारे साथ रहता है। संतों की कृपा से संसार में सुख मिलता है और शरीर छोड़ने के बाद परलोक भी सुधर जाता है। समाज के माण्हू जी सेवा करण में पूरो मंडल लगो पे हो, तांजब जी हो तो दिशा निर्देश मिले पे हो, आशीर्वाद मिले पे उन्हन के उन दिशा में सब कम करे रहा है से। कि तांजा दर्शन सा सब करता रहूं पे आते और निश्चित ही इन तरह तो जी असाजा बिहारी भैया चैन पे बे कें तो मिलो ही सभी के दर तो पर मुख्यको मिलो वो बेइंतहा मिलो जन हयात हुआ पुराना आश्रम में होते तो साईं जन जा दर्शन करण आया से। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।